जय हिंद। आप में से बहुत लोग G4, G6, G7, G10, G11, G20 या D10 जैसे टेक्निकल टर्म सुने होंगे और सुने होंगे कि मोदी जी G20 के बैठक में भाग ले रहे हैं, G7 के बैठक में भाग ले रहे हैं। अभी ट्रंप ने कहा है कि हमें G7 को बढ़ाना है। तो इस सब में हम आज आपको टोटल कंप्लीट अंतर बता देते हैं और ये समझा देते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा और चाइना की हुआई कंपनी क्यों इसमें इतना ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, और अलग से भी बताएंगे कि 5G और 4G टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग G4 से। देखिए G4 जो है ना, ग्रुप ऑफ फोर, G इज स्टैंड फॉर ग्रुप। ये चार देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य यही है कि UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट कैसे प्राप्त किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 देशों को परमानेंट सीट है। आप मैप के हिसाब से देखिएगा कि वो 5 देश कौन कौन से हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इधर से आपका USA हो जाएगा, 5 देश में USA, और यूरोप में से दो ठोको लीजिए, यहाँ पे ब्रिटेन और यहाँ पे फ्रांस। तो ऊपर में ब्रिटेन और इधर में फ्रांस, और इधर दो ठोको ले लीजिए रसिया और चाइना। टोटल हो गए से कितने, 5, एक उधर, दो बीच में, दो इस साइड, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। इन्हीं के पास परमानेंट सीट है और इन्हें किसी भी प्रस्ताव को रोकने की एक शक्ति है जिसे कहते हैं वीटो पावर। अब ये 1945 में जब UN बना था तो इन्हीं 5 लोगों के पास था। अब इंडिया और 4 देशों के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि भैया केवल इन्हीं 5 के पास नहीं रहेगा, अब हम 4 को भी चाहिए। अब वो 4 कौन कौन से हैं उसके बारे में समझिए। उन्हीं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, G4, जिसमें एक है आपका इंडिया। इंडिया कहता है कि भैया हमको भी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट। इधर में है जापान, इंडिया के बाद इधर हो गया जापान। अब यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में है आपका जर्मनी। जर्मनी कहता है कि हमको भी परमानेंट सीट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यहाँ पर आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील भी कहता है कि भैया हमको भी चाहिए। तो ये 4 जो देश हैं, इन देशों का एक ही मांग है कि हमको अस्थाई सदस्यता चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन कौन से हो जाएंगे, तो इस साइड में देखेंगे इंडिया और जापान, यूरोप में जर्मनी और इधर में ब्राज़ील। इन्हें हम बोलते हैं G4। आप समझ गए होंगे G4। अब हम समझते हैं नेक्स्ट G6 के बारे में। ध्यान से समझिए, G6 की स्थापना जो की गई थी 1975 में की गई थी। ये G6 कैसे देशों का संगठन है, तो ये ग्रुप में याद रखिएगा दो चीज़। पहला कि इन देशों के पास इंडस्ट्रियल क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा औद्योगिक देश है, और इनकी जो इकोनॉमी है ना, एकदम एडवांस इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा ये डेवलप कंट्री है। तो अति विकसित देशों के 6 समूह की स्थापना की गई थी 1975 में, जिसका नाम दिया गया G6। अब इसमें कौन कौन से देश थे, ध्यान से देखिए। इधर हो जाएगा आपका USA, और यूरोप से 4 देश का ही नाम याद रखिएगा जो हमेशा आएंगे। एक हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन के नीचे हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस और इधर इटली। ये 4 देश यूरोप में हमेशा याद रखिएगा। याद करने का तरीका भी है, आप इन्हीं 4 के बारे में ज़्यादा पढ़े होंगे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया पढ़े होंगे, जर्मनी का हिटलर पढ़े होंगे, फ्रांस का नेपोलियन पढ़े होंगे, इटली का डोमिटो मुसोलिनी पढ़े होंगे। ये बड़े बड़े लीडर थे इटली के। हालांकि इटली में तो बहुत सारे लीडर हुए हैं, लेकिन यही मुसोलिनी काफ़ी फेमस है। इटली से ही हम लोग सोनिया गांधी का भी आयात किए हैं, और सानिया मिर्जा का तो निर्यात किए हम लोग पाकिस्तान में, वो अलग टॉपिक है। तो ये इधर हो गया आपका 4, और एक ये 5, और इस साइड में ले लिया गया था जापान को। तो कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। अभी हम 6 याद करा देंगे। अभी आगे समझिए, इन 6 के बाद इसमें कनाडा को शामिल कर दिया गया। तो बताइए, जब G6 में 6 थे, आप कनाडा को शामिल कर दीजिएगा तो G6 क्या बन जाएगा, G7 बन जाएगा। कनाडा भी बहुत डेवलप कंट्री है, उसकी भी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो वो G6 क्या बन गया, G7 बन गया कनाडा को लेने के बाद। तो यहाँ कनाडा शामिल हो गया। अब कालांतर में इसी में रूस को भी शामिल कर दिया गया। रूस को शामिल किया गया तो ये G6 से तो 7 बना ही था, अब क्या बन गया, G8। किसके शामिल करने के बाद, तो रसिया के सामने शामिल करने के बाद ये बन गया G8। लेकिन 2014 में रसिया ने क्रीमिया, यूक्रेन का एक राज्य है क्रीमिया पर आक्रमण करके उसे वापस ले लिया। ये क्रीमिया संकट अलग है, हालांकि क्रीमिया रूस का ही था जो बाद में उसने यूक्रेन को दिया था, तो यूक्रेन से उसने वापस ले लिया।
इस वजह से G8 में तो आप देखेंगे यूरोप वालों का ज्यादा दबदबा है, और कनाडा और यूएस से इनकी भी विचारधारा यूरोप के लोग की तरह है, ये सब लोग मिलकर वापस हटा दिए किसको, रशिया को, इसमें से निकाल दिए। तो G8 वापस क्या बन गया, G7, जो आज भी किस रूप में है, G7 के रूप में ही है। तो अब हम समझते हैं G7 में कितने सदस्य, आप बताइए क्या अब रशिया है, अब G7 में रसिया नहीं है, और रसिया को आने भी नहीं देंगे लोग, रसिया को वापस G7 में आने का काफी लोग विरोध करते हैं लोग। अब इसमें कौन कौन से, देखिए ध्यान से, इधर से दो ठो को याद रखिएगा आपको, कनाडा और यूएसए, ये दो हो गया इधर, यूरोप में से चार ठो, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, दो इधर, चार इधर, दो चार छः, और इधर जापान, अमेरिका जिधर जाएगा जापान उधर ही जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था जापान पर, तो जापान से एक संधि भी करा लिया था कि जापान अपनी सेना कभी नहीं रखेगा, बदले में जापान की रक्षा आजीवन अमेरिका करेगा। तो जिधर अमेरिका गया उधर जापान, तो टोटल कितने हो गए, G7 हो गए। तो आप G4 देख लिए, G4 के बाद आप G6, G7, G8, वापस G7 कैसे बन गया, ये इसकी कहानी आप समझ गए। अब हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें G7 को और एक्सपेंड करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे G10 बनेगा या G11 बनेगा। आप इसको एक फोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक नोट्स में लिख सकते हैं, तो छोटा सा चीज़ है। अब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात को समझते हैं, उनका क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं कि विश्व में किस तरह से चाइना का एक दबदबा बनते जा रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि जो G7 है उसको और बढ़ाना चाहिए। इसमें वो चार देशों का नाम ले रहे हैं, देखिए कनाडा तो पहले से था, यूएसए पहले से था, और इधर चार देश अलग थे, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, और यहाँ पे आपका जापान। ये चार देश किसको किसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो जब G7 है और इसमें आप चार और जोड़िएगा तो ये क्या बन जाएगा, G11 बन जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप G11 बनाना चाह रहे हैं, किसको किसको जोड़कर, तो एक यहाँ से वो इंडिया जोड़ लेंगे, और यहाँ से वो कह रहे हैं साउथ कोरिया को जोड़ने से, तो इंडिया और साउथ कोरिया, और कह रहे हैं कि रसिया को भी जोड़ लीजिए और ऑस्ट्रेलिया को भी, तो सात पहले से था, चार और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, G11 हो जाएगा। तो G11 में कितने को जोड़ने की बात की जा रही है, चार एक्स्ट्रा की। अब किसी को भी इंडिया के जुड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही साउथ कोरिया के जुड़ने पर, और ना ही ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने पर। इनको सबसे ज्यादा यूरोप वालों को आपत्ति है रसिया से जुड़ने पर। यूरोप वालों का कहना है कि भैया रसिया को हम जुड़ने नहीं देंगे, क्योंकि रसिया ने हमला करके यूरोप का क्रीमिया हड़प लिया, हम इसको जुड़ने नहीं देंगे। दूसरा, यूरोप के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि रूस जो है इन पर साइबर अटैक करते रहता है, और कनाडा भी कहता है कि भैया ये जासूसी बहुत ज़्यादा करते हैं, हम इनको अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि इनको हम अपने ग्रुप में रख लेते हैं तो हम इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे, बल्कि उल्टा छूट देंगे, तो ये उस छूट का फायदा उठाकर और जासूसी करने लगेंगे। इससे इंडिया को थोड़ा सा लॉस होगा, क्यों, अगर G7 से G11 बनता तो उसमें इंडिया भी था और रसिया भी है, तो अभी रसिया आने वाला नहीं है, दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, तो अकेले किसको जाना पड़ेगा, इंडिया को जाना पड़ेगा। तो जो G7 है, तो G7 क्या बन जाएगा, G10 बन जाएगा, रसिया शामिल नहीं हो पाएगा, तो क्या बन जाएगा, G10। अगर रसिया शामिल रहता तो इंडिया की जैसी फॉरेन पॉलिसी है रसिया की भी वैसी ही रह जाएगी। अब अगर भारत अकेले G10 में शामिल होता है और ये लोग रसिया पे कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो भारत के सामने मजबूरी हो जाएगी, या तो G10 से हटिए या तो रूस पे प्रतिबंध झेलिए। तो ये अभी एक आगे का सिनेरियो क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगले साल जो 2021 में G7 की जो बैठक होगी वो ब्रिटेन में होगी, जो 2020 में इस साल जो बैठक होगी वो अमेरिका में होगी, और अगले साल जो बैठक होगी वो ब्रिटेन में होगी। ब्रिटेन में ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के बैठक में G7 जो है वो G10 का रूप ले लेगा, जिसमें अलग से जो तीन देश होंगे वो इंडिया, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाएंगे। अब D10 क्या है, डी मतलब होता है डेमोक्रेटिव, मतलब जहाँ चुनाव होता है डेमोक्रेटिव। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए D10। तो D10 कुछ अलग नहीं है, समझिए D10 क्या है। G7 को एक्सपेंड करके 2021 में G10 का रूप दे दिया जाएगा। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि
इसी G10 के देशों का एक अलग से समूह बना देंगे जिसका नाम रहेगा D10, डेमोक्रेटिक 10। जब हम G10 की बैठक करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि हमारा विकास कैसे होगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। लेकिन जब डेमोक्रेटिक 10 की बैठक करेंगे यानी D10 की बैठक करेंगे तो ये डिसाइड करेंगे कि चाइना को कैसे आगे बढ़ने से रोकना है, स्पेशली चाइना की 5G टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए। तो खुल के तो कहेंगे नहीं कि हमको चाइना को रोकना है, लेकिन ये जो G10 है आप उसी का एक दूसरा अवतार कह सकते हैं D10, इसमें मेनली चाइना को रोकना है और स्पेशली 5G टेक्नोलॉजी को लिए रोकना है। अब ये 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर इतना घमासान क्यों है? देखिए 5G जो टेक्नोलॉजी होगी वो हम मानव की सबसे बड़ी खोज होगी। अब आप इतना सोचिए, मानव ने क्या नहीं खोजा, लेकिन सबसे बड़ी खोज होगी 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, उसके टावर 4G और 3G के टावर से अलग होंगे। 4G, 2G, 3G, 5G, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम क्या होता है इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ समझिए ये 5G का टावर है, काफ़ी कॉस्टली टावर होता है और ये हर 100 मीटर की दूरी पर लगाना पड़ेगा, 100-100 मीटर की दूरी पर। ऐसा नहीं 4G की तरह एक टांग दिए हो रहा है, 100-100 मीटर की दूरी पर लगाना पड़ेगा और काफ़ी कॉस्टली आते हैं इसके मशीन वगैरह। इतना ज़्यादा होगा कि हर मानव पर नज़र रख सकते हैं, एक एक इंच अगर 5G टेक्नोलॉजी आ गया तो। अब ये 5G टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में केवल 3 कंपनी बना रही हैं, नोकिया, इरिक्सन। नोकिया भी बनाती है, दूसरी इरिक्सन कंपनी बनाती है। ये दोनों यूरोपीय कंपनी जो हैं काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनके जो टावर के जो लगने, मान लीजिए इंडिया में खंभा बना सकते हैं आप, जो उसके इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, वो आप या तो आप खरीदिए नोकिया से या खरीदिए इरिक्सन से, नहीं तो सस्ता खरीदना है तो हुआवे से खरीदिए। अब हुआवे जो कंपनी है वो चाइना की है और ये चाइना की हुआवे कंपनी 5G टेक्नोलॉजी में अभी नोकिया से भी आगे है, इरिक्सन से भी आगे है और उनसे काफ़ी सस्ता भी है। तो पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? हुआवे के पीछे। अब 5G की समस्या क्या है? 5G इतना एक्यूरेट डाटा रखता है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये मोबाइल है, ये मोबाइल अभी 4G है, अगर हम ये तो 5G सपोर्ट ही नहीं करेगा, जब 5G आ जाएगा तो हम इस मोबाइल को अगर इतना भी हिला दिए ना तो 5G के मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कितना सेंटीमीटर ये मोबाइल घसका हुआ है, कितना ऊँचा है, A to Z बता सकते हैं। अब आप ऐसे बताइए कि 5G टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि 5G टेक्नोलॉजी से अगर आप अपनी कार में 5G लगा दीजिएगा और दीजिएगा कि हमको स्टेशन छोड़ दो, तो स्टेशन छोड़ देगा बिना ड्राइवर का, आगे कौन है पता कर लेगा, किधर से मुड़ना है, दहीने मुड़ना है, बगल में कुत्ता आ गया कि कोई दूसरी गाड़ी आ गई, हर चीज अपने से कर लेगा। डॉक्टर घर बैठे ऑपरेशन कर देगा मरीज का, मशीन लगा देगा, मशीन में 5G सिस्टम लगा देगा, यहीं से वो हाथ घुमाएगा कैसे कैसे वहां उसका ऑपरेशन कर देगा। ये मानव जाति का सबसे बड़ा आविष्कार होगा 5G, जिसमें चीन की हुआवे कंपनी सबसे आगे है। लेकिन इस 5G के द्वारा अगर आप किसी की जासूसी करना चाहते तो एकदम आराम से जासूसी कर सकते हैं, वो कहां है, कितने फ्लोर पर बैठा है, सड़क पर कितनी दूरी पर है, किस खंभे को पार कर गया, मतलब उसके एक एक इंच की आप निगरानी रख सकते हैं। अब अमेरिका डरा हुआ है कि अगर हमारी मजबूरी है कि भैया यही हुआवे की खरीदिए क्योंकि हमें सस्ता चाहिए और एडवांस चाहिए तो यही सबसे आगे है, और नहीं तो फिर महंगा खरीदना है तो नोकिया का खरीदिए, ये सब इक्विपमेंट ये जो है अब इतना सस्ता है ये कि इसको हम लोग टक्कर भी नहीं दे सकते। अब यहाँ इसी 5G को रोकने के लिए, हुआवे को रोकने के लिए जो ब्रिटेन है वो बनाना चाह रहा है डेमोक्रेटिक 10 यानी D10। आप समझ रहे हैं D10 जो है वो G10 का ही राजनीतिक संगठन है, जबकि G10 जो है वो इकोनॉमी को देखेगा, दिल्ली वाला डी डेमोक्रेटिक डी वो राजनीतिक संगठन को देखेगा, तो वो हुआवे को रोकना चाह रहा है। हम मजबूरी में इंडिया वाले हुआवे को नहीं रोक सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी BSNL तो अपने डूब गई, इंडिया में 3 कंपनी अभी रन कर रही है, जियो, इसी से एक उम्मीद है, नहीं तो एयरटेल के पास इतना पैसा ही नहीं है अभी, तो वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में अच्छा से 4G ही नहीं दे पा रही है। वोडाफोन लंगड़ा हो गया, उसको बैसाखी पे लेके चल रहा है आइडिया, तो एक और आइडिया एक और वोडाफोन दोनों बेचारे एक पैर से चल रहे हैं, तो आइडिया वोडाफोन एक हो गए हैं और एयरटेल का भी हालत ठीक नहीं है, तो आइडिया वोडाफोन को साइड कर दीजिए, एयरटेल को भी साइड कीजिए। एक उम्मीद हम ये कह सकते हैं कि भारत में 5G को लाने में जियो काफ़ी मदद करेगा क्योंकि रिलायंस के पास पैसा बहुत है। इससे फायदा क्या होगा? पूरी यूरोप की कंट्री, जितने भी आप यूरोपीय कंट्री को देखेंगे, ये यूरोपीय कंपनी पूरी तरह से डरे हैं सब चाइना से, क्योंकि चाइना इनको टक्कर देना चाह रहा है।
अब ये क्या चाहते हैं कि हमको भैया हर हाल में 5G भी चाहिए और चाइना का चाहिए भी नहीं, तो सस्ता कैसे कीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा भारत को। अगर भारत इन यूरोपीय कंट्रीज़ को और इन अमेरिकन कंट्री को ये समझाने में कामयाब हो गया कि अभी कोरोना पेंडेमिक है, अभी भाड़ में गया 5G, अभी एक डेढ़ साल रुकिए ना आप लोग, और भारत इसी एक डेढ़ साल में अपने लेबर लॉ में, हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें लेबर लॉ के बारे में बताए थे, लेबर लॉ को संशोधन करके जो भी इरिक्सन कंपनी और नोकिया कंपनी है उन्हें भारत में बुलाना चाहिए, क्योंकि भारत में लेबर बहुत सस्ते होते हैं, सामानें काफ़ी सस्ती होती हैं, जिस वजह से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत कम होगा। और आप विश्वास कीजिए कि अगर इरिक्सन या फिर नोकिया अपना जो 5G बनाने वाली मशीनें, केबल, टावर, एपी मोड, ये सब बनाने के लिए जो प्लांट यूरोप में डाली हैं, अगर वही प्लांट अगर वो इंडिया में डाल देती हैं तो उनका जो सामान है वो चाइना के हुआवे कंपनी के सामान के बराबर हो जाएगा। इस वजह से चाइना की कमर टूट जाएगी। तो भारत सरकार को भी नींद से जगना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए कि भैया 5G टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन सेंटर है आप इंडिया के बेंगलोर में खोलिए, क्योंकि बेंगलोर में पहले से आईटी कंपनी है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलोर को। और अगर एक बार ये प्लांट यहाँ आ गए तो विश्वास मानिए 2021 के लास्ट तक पूरी दुनिया में, हम पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में अगर किसी को भी 5G की ज़रूरत होगी तो वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट करेगा, यहीं से वो मंगाना पड़ेगा, इंडिया को ही भेजेगा। और भारत को भी बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू मिलेगी, वो कंपनी अपना प्रोडक्शन के से जो प्रॉफिट होगा वो ले जाएंगी, भारत सरकार को टैक्स मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हम तो ये भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे कि वो इस पर विशेष ध्यान दे, 2G 3G ये सब भाड़ में गया, अभी नया टेक्नोलॉजी है इसमें हाथ बढ़ाइए। देखिए इंटरनेट के ज़माने में क्या होता है कि आप तेज भागिए धीमा भागिए ये मतलब नहीं है, आप पहले भागिए, एकदम स्टार्ट कीजिए। जैसे देखिए जो फेसबुक पे बहुत पहले से जुड़े थे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फॉलोवर्स हैं, जैसे यूट्यूब पर आप देखेंगे पुराने यूट्यूबर्स के कुछ देखिएगा, वो अगर अच्छा नहीं भी है ना फिर भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा मेंबर है, और जो काफ़ी अच्छे हैं बाद में आए हैं उनके पास उतने मेंबर्स नहीं है। रीज़न क्या है कि बाद में आने से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस समय भारत को पूरा ओपन ओशियन मिला हुआ है, डुबकी लगाओ भैया, सबसे पहले यहाँ प्लांट मारो, और पूरी दुनिया अभी कोरोना पे ध्यान दिए, आप इधर फोकस मारिए और पूरी तरह से 5G प्रोडक्शन का इंडिया को हब बना दीजिए, इसको हब एकदम। तो आप 5G टेक्नोलॉजी समझे, आप 5G को 4G को आप G4 में मत सोच लीजिएगा, G4 मतलब होता है ग्रुप और 5G होता है वो एक जनरेशन को दिखाता है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप G4 समझ गए, G6 समझ गए, 7 समझ गए, 8 समझ गए, G10 भी समझ गए और D10 भी समझ गए। अब G20 क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, G20 क्या होता है। देखिए D10 हम समझा दिए थे, ये D10 क्या है, G7 प्लस ये तीन कंट्रीज को जोड़ देंगे तो डेमोक्रेटिक 10 बन जाएगा। अब G20 क्या होता है, G20 20 देशों का एक संगठन है, ये 20 बड़े बड़े इकोनॉमी के देश आते हैं, आप जो भी देश जानते होंगे बड़े बड़े देश उसमें G20 में आते हैं सब, इसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब तो G7 वाले है ही हैं सब इसमें। इन लोग का अपना एक आर्थिक यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक बैठक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, G20 कहते हैं। देखिए ये जो G4 है, G6, G7, G8, G10, G20, D10, ये एक राजनीतिक संगठन है, जबकि 2G, 3G, 4G, 5G, LTE ये सब एक टेक्नोलॉजी है। हम आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में समझा दिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कभी इसके बारे में समझा देंगे। 5G के बारे में आपकी क्या राय है, क्या भारत सरकार को नोकिया और एरिक्सन को बुलाना चाहिए बेंगलोर में अपना प्रोडक्शन यूनिट डालने के लिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या भारत सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप कमेंट करके बताइएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।